ताजमहल पर बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों के बीच गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे। ताज के दीदार से पहले योगी ने ताजमहल परिसर में झाड़ू लगाई तो यूपी के पूर्व सीएम उन पर चुटकी लेना नहीं भूले। योगी के झाड़ू पर अखिलेश ने कहा कि जो लोग ताजमहल को अपनी धरोहर नहीं मानते थे उन्हें भगवान राम ने ऐसी सजा दी कि वो ताज के सामने झाड़ू लगाने पर मजबूर हैं। और ये देखो समय कैसा बदलता है, जो लोग ताजमहल को देखते ही जाने क्या क्या कहने लगते थे, ताजमहल को अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे, अपनी हेरिटेज नहीं मानते थे। ठीक बात है, उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन देखो भगवान राम ने क्या कर दिखाया कि आज वेस्ट गेट पर ही स्वच्छता का अभियान चलाना पड़ गया ताजमहल के वेस्ट गेट पर। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे, ये हमारा कमाल नहीं है, नागरा वालों का कमाल है। हम तो भगवान राम का धन्यवाद देंगे और मधुसूदन शर्मा जी का धन्यवाद खास कर देंगे, क्योंकि इनके आने से ही कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है कि वेस्ट गेट पे भी अब झाड़ू लग रहा है। अखिलेश ने योगी सरकार पर ये भी आरोप लगाया कि योगी सरकार ने ताज से जुड़ी तमाम योजनाओं को रोक दिया है। अखिलेश के अलावा ओवैसी ने भी योगी के झाड़ू लगाने पर निशाना साधा और कहा कि योगी को ताजमहल के बजाय अपने नेताओं के दिमाग की सफाई करनी चाहिए। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।